दोस्तों 2021 स्टार्ट होने के बाद काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे इंडियन मार्केट में आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो गाइज उसी तरह सभी यहाँ पर जो कंपनी अपना एक प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसी तरह गाइज इंडियन मार्केट में धमाल मचाने वाला एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाला है। जी हाँ गाइज, CF मोटो तरफ से आपको यहाँ पर जो है ZEEHO साइबर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि आपको इंडियन मार्केट में जल्दी देखने को मिलने वाला है। 3 लाख किलोमीटर तक एंड आधे घंटे में 104 किलोमीटर चलने वाला यह इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीटली रिव्यू जो कि इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में एंड रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको जानना है पूरा डिटेल तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देख लीजिए, पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले देखो हमारे इंडियन मार्केट में एथर 450X, बजाज चेतक एंड TVS iQube ज्यादातर यहाँ पर जो टॉप एंड पॉपुलर में ज्यादातर ये चलती है, तो उसी तरह यह भी इलेक्ट्रिक स्कूटर इनको पीछे छोड़ने वाली है। CF मोटो की ZEEHO साइबर इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया की फर्स्ट मोस्ट अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है गाइस। एंड सबसे पहले तो कंपनी बताती है कि 3 लाख किलोमीटर तक इसकी मतलब कंपनी गारंटी देती है कि 3 लाख किलोमीटर तक इस बैटरी को कुछ नहीं होने वाला है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को। एंड ये आधे घंटे में 80% चार्ज हो जाती है जो कि बहुत ही इजीली फास्ट चार्जिंग नॉर्मल चार्ज आप कहाँ पर भी इसको चार्ज कर सकते हो। यानी गाइस आधे घंटे में 104 किलोमीटर मतलब 80% चार्ज होती है जो कि 104 किलोमीटर जाती है। फुल चार्ज में आपको 130 किलोमीटर का रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4 kWh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो कि आपको गाइस टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है 110 किलोमीटर पर आवर तक का टॉप स्पीड जो कि टॉर्क लेता है 0 to 50 यानी 0 से 50 किलोमीटर तक की पिक पावर जो स्पीड जो लेता है वो सिर्फ और सिर्फ 2.9 सेकेंड में आपको देखने को मिलने वाला है। यानी बहुत ही अट्रैक्टिव के साथ बहुत ही अच्छा पिकअप भी आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलने वाला है। डुअल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, GPS, जियो फेंसेंसी, टच स्क्रीन, जैसे कि गाइज काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्मार्ट फीचर्स आते हैं उससे भी बेटर आपको इस ZEEHO साइबर इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो बहुत ही अट्रैक्टिव बहुत ही बड़ा टच स्क्रीन आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि गाइज देखो हर कंपनी अपना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी तरह CF मोटो भी अपना यहाँ पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आने वाला है। एंड 2021 के लास्ट तक आपको यह इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है जो कि एक बहुत ही अच्छा है। एंड गाइज इसमें आपको 3 लाख किलोमीटर तक यानी 2500 साइकिल्स आप मतलब इसमें चार्ज के मिल जाते हैं, यानी 2500 बार आप इसको चार्ज कर सकते हो। पर चार्ज आपको 130 किलोमीटर का रेंज देता है, तो आप इसको डिवाइस कर सकते हो कुछ इस तरीके से। कंपनी ने बताया है कि 3 लाख किलोमीटर तक तो आपको आराम से चलने वाली है। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये कितना मतलब कितना कीमत इसकी होने वाली, किसका प्राइस कितना होने वाला है। तो गाइज देखो इसके कंपटीशन में ज़्यादातर जो है एथर 450X ही आता है, तो उसके प्राइस के आसपास इसका प्राइस होने वाला है क्योंकि इसके मतलब एथर 450X जो आता है उससे ज़्यादा अगर होगा। क्योंकि गाइज देखो अगर ये ज़्यादा प्राइस में लॉन्च होगी तो कंपनी का ही नुकसान होने वाला है, तो ये कंपनी जो है एथर 450X के आसपास इसको लॉन्च करने वाली है। क्योंकि गाइज देखो आपको काफ़ी हाई लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं एंड काफ़ी हाई लेवल के फीचर्स के साथ यहाँ पर जो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा इसकी प्राइसिंग देखी जाती है, तो कम प्राइस में ये लॉन्च होगा। लगभग आप 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के आसपास इसको पकड़ सकते हो, ये इंडियन मार्केट में जल्दी देखने को मिलने वाला इस प्राइस में। तो गाइज ये थी CF मोटो की ZEEHO साइबर इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पेसिफिकेशन, जो भी अपडेट आए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको क्या लगता है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में वो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। एंड ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिव्यूज़ कंपेरिजन की वीडियो देखने के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल राइड विद मयूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तब तक के लिए गाइस इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते रहिए। गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।